हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। आज मैं एक ख़ास फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके का फ़ोटो एडिटिंग करूँगा, वो भी लाइटरूम से। मैं लाइटरूम का एक XMP पी सेट यूज़ कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड कर देना, ड्राइव एक लिंक मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए एडिटिंग पर। गाइस देख सकते हो, मैं इस फोटो को एडिट करने वाला हूँ लाइटरूम पे। तो चलते हैं लाइटरूम पे। मैं फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइटरूम पे, और लाइटरूम पे जाने के बाद आपको फ़ोटो को ओपन कर लेना है। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाला एक आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बस में जाना है आपको, और नीचे आने के बाद आपको एक बॉक्स कलर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो फिल्टर वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है, और इसको फुल बढ़ा देना है। देख सकते हो गाइस, फेस उतना वाइट नहीं है। तो फेस वाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो कलर टूल है उस पर जाना होगा, और कलर टूल में आने के बाद आपको मिक्स टूल में जाना होगा। और मिक्स टूल में जाने के बाद इसका ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और नेक्स्ट कलर में आने के बाद आपको ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और लुमिनेंस को बढ़ाना पड़ेगा। गाइस देख सकते हो, फेस वाइट हो गया है। गाइस देख सकते हो, फोटो देखने के लिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो बिफोर वाला, और ये देख सकते हो आफ्टर वाला। गाइस मैं XMP को कैसे मैं फाइल में यूज़ किया था वो दिखाऊंगा आपको। वीडियो में बने रहिए, पहले फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो फ़ोटो को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जो 3 डॉट है उसको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर सेव टू डू बेस में हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। गाइस सेव हो गया फ़ोटो, और अब चलते हैं जहाँ पर मैं XMP को मैं ऐड किया था वो दिखाऊंगा। गाइस बैक करने के बाद आपको फाइल पर आना है, और फाइल पर जाने के बाद आपको फ़ोन स्टोरेज में आना है। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद आपको सिंपली जहाँ पर डाउनलोड हुआ है XMP पी सेट वहाँ पर जाना है। मेरा तो डाउनलोड पर ही डाउनलोड हुआ है, मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। और ये देख सकते हो XMP पी सेट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली फ़ोन स्टोरेज में ही जाना पड़ेगा। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉयड फोल्डर में आना है। आने के बाद आपको डाटा में आना है, और डाटा में आने के बाद कॉम LR मोबाइल्स और फाइल्स कमेंट्स 000 प्रोफाइल्स सेटिंग्स यूजर स्टाइल में आने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइस देख सकते हो, मैं पेस्ट कर लिया हूँ। ये देख सकते हो XMP पी सेट। गाइस इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ड्राइव एक लिंक मिलेगा, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।